विनय जी, आप जो है सिविल लाइन से बतौर सभासद जो है चुने गए हैं, नवनिर्वाचित सभासद हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? प्रतिक्रिया तो हमारी ये है कि हमारी जो जनता ने हमारे काम पर भरोसा करके हमें एक बार पूरा सभासद पद पर हमको काबिज किया है, इसलिए हमारी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ नगर पालिका की नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती निरंजन खातून एवं सभी नवनिर्वाचित सभासदों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग मिलकर के इस फतेहपुर में एक नई नगर में विकास की नजर आएंगे। आप दोबारा सभासद हुए हैं यहाँ से सिविल लाइन से, इस बार किस क्या क्या मुद्दे रहेंगे, कैसे लोगों की मदद करेंगे इस बार? हमारे तो पहले तो जो मैं पिछली बोर्ड में मैं बतौर विपक्ष नेता के रूप में मैं था और मैंने काफ़ी प्रस्ताव पास कराए थे, उनमें मैंने काम भी कराया और जो प्रस्ताव शेष रह गए थे सबसे पहले तो उन पर मैं कार्रवाई करवाऊँगा। जैसे कि हमारा प्रस्ताव था कि 7 स्वागत द्वार, जो हमारे 7 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं, उनमें 7 जो स्वागत द्वार हैं उनके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। उसके बाद शहर में आरओ प्लांट होने चाहिए थे, उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। शहर में अंतिम क्रियाक्रम जो स्थान बनाने का प्रस्ताव ने पास कराया था उसमें कोई काम नहीं हो पाया, तो हम लोग उस पर काम करेंगे और सब लोग मिल करके इस नगर में विकास का काम कराने का प्रयास करेंगे।